हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू ज्ञान प्रभा चैनल के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कुर्ती, सलवार कमीज, साड़ी, ब्लाउज पीस ये सब बाजार से खरीदते हैं। स्टिच वाला तो बहुत ही सुंदर लगता है। हम लोग जब बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं, अधिकतर समय ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता ही है, कि अगर कोई कपड़ा पसंद आया, कपड़ा का कलर मन के लायक नहीं होता है, स्टिच इतने सुंदर होते हैं पर जिस रंग का मैं पसंद करती हूँ उस रंग का मिलता नहीं है। अगर मान लीजिए कपड़ा भी पसंद आ गया, रंग भी पसंद आएगा, तो स्टिच इतने हल्के या किसी किसी में इतने ज्यादा भरे भरे पड़े रहते हैं, इतने बड़े बड़े स्टिच रहते हैं कि मन के लायक नहीं हो पाता। तब यह महसूस होता है कि ये थोड़ा ऐसा होता, वो थोड़ा ऐसा होता, इसका कलर ऐसा होता, ये कपड़ा ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, पर दुकान में मन के मुताबिक तो सामान मिलते नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, आप अपना मनपसंद प्लेन कुर्ती हो, चाहे कुछ भी हो, प्लेन ब्लाउज पीस हो, चाहे ब्लाउज हो, साड़ी हो, ले लीजिए। और स्टिच अगर आप जान जाए, स्टिच अब अगर आप सीखे हुए हैं, तो आप उन स्टिचों को, उन डिजाइनों को करके अपने मनपसंद कपड़े को पहन सकते हैं। अधिकतर तो बाजार में अच्छे स्टिच वाले कपड़े जो कि लेने जाए हम, तो बहुत महंगे पड़ते हैं। मन के मुताबिक तो होते भी नहीं है डिजाइन, और महंगे भी बहुत होते हैं। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, बाजार से कुर्ती हो, ब्लाउज पीस हो, चाहे जो आपको पहनना है, जिसमें डिजाइन चाहिए आपको, ले आइए। ले आने के बाद आप अगर स्टिच जानती हो तो आप उसमें डिजाइन करके, स्टिच बनाकर उसी कपड़े को बहुत सुंदर बना सकते हैं, पहन सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अपने इस चैनल में कुछ स्टिचों के बारे में बताऊंगी। मैं आप लोगों को मेरे इस चैनल के द्वारा गुजराती स्टिच, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अधिकतर लोग पसंद भी करते हैं, हेरिंग बोन और आपका मकड़ी स्टिच जिसको बास्केट स्टिच भी बोलते हैं, चिकन स्टिच है, फेदर है, इसके बाद चेन है, रन स्टिच है, कश्मीरी स्टिच है, बहुत तरह के स्टिच होते हैं। मैं आप लोगों को धीरे धीरे सिखाऊंगी, आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।